एक मॉडर्न किचन में चिमनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन क्या चिमनी का काम सिर्फ धुआं खींचना है आपको यह भी जानना चाहिए कि कि उसकी सक्शन कैपेसिटी कितनी है है उस चिमनी चिमनी के अंदर फिल्टर लगे हैं या नहीं नहीं क्या वो ऑटो क्लीन है कि नहीं? उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आएगी और इंस्टॉलेशन होगी कैसे एक चिमनी आपके हॉब या कुकटॉप से कितनी दूरी पर लगी होनी चाहिए और उसके अंदर आपको सर्विस कैसी मिल रही है उस ब्रांड से इन सभी बातों को जानने के बाद आप अपने लिए बेस्ट चिमनी खरीद पाएंगे और वही काम मैं आपके लिए इस वीडियो में करने वाला हूं हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट किचन चिमनी जो आप खरीद सकते हैं 2022 में लेकिन मेरे पॉइंट्स देखने के बाद दोस्तों बेस्ट चिमनीज ऑफ 2022 तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही और जिन चिमनीज के बारे में मैं बात करूंगा उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और मेरी किचन अप्लायंस लिस्ट में भी उस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको वो सारे किचन अप्लायंसेज मिलेंगे जिन्हें मैं रेकमेंड करता हूँ और उनमें एक भी वो अप्लायंस या मॉडल नहीं होगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता उसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा लेकिन चिमनीज को देखने से पहले आपको चिमनीज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तब आप जान पाएंगे कि आपकी किचन के लिए बेस्ट चिमनी कौन सी होगी कोई भी चिमनी खराब नहीं होती और कोई भी चिमनी बेस्ट नहीं होती आपकी किचन के लिए जो बेस्ट चिमनी है वो आप खुद जान पाएंगे इन पॉइंट्स को सुनने के बाद सबसे पहले इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं और अगर आपकी किचन में टू या थ्री बर्नर कुकटॉप या हॉब है तो आपको सिक्सटी सेंटीमीटर चिमनी लेनी चाहिए आपकी किचन में अगर फोर या फाइव बर्नर कुकटॉप या हॉब है तो आपको नाइनटी सेंटीमीटर से कम की चिमनी नहीं लेनी चाहिए आइडियल डक्ट साइज चाहे आप कोई भी चिमनी ले लें 8 से 12 फीट तक होता है और आपकी चिमनी और कुकटॉप या हॉब के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप 24 इंच से लेके 30 इंच के बीच में कुछ भी रख सकते हैं चिमनी इस दो टाइप की होती हैं एक बैफल फिल्टर चिमनी और दूसरी फिल्टरलेस चिमनी बैफल फिल्टर आपको एक या फिर दो लगे हुए मिलेंगे किसी भी चिमनी में और उसमें आपको हो सकता है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिले लेकिन फिल्टरलेस चिमनी के अंदर आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मिलेगी ही मिलेगी बैफल फिल्टर चिमनी के अंदर एक स्टील की जाली लगी होती है कुछ इस तरीके की जिसके ऊपर से धुआं जब निकलता है तो वहां पर ऑयल छोड़ के आगे निकल जाता है उस जाली को आपको तीन से चार हफ्ते में एक बार निकाल के क्लीन करना पड़ता है लेट से गरम पानी में वॉश करके दोबारा लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर आप उसे यूज कर सकते हैं बैफल फिल्टर चिमनी उन घरों के लिए बहुत अच्छी है जहां पे ऑयली खाना ज्यादा बनता है इसमें कुछ कॉन्स भी हैं इस टाइप की चिमनी के अंदर जो मोटर होती है वो ओपन लगी होती है और इसमें अगर ऑयल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए और आप बहुत टाइम तक इसे क्लीन नहीं करेंगे तो शायद आपकी चिमनी चोक हो जाए या फिर तेल जो इकट्ठा हुआ है यानी ऑयल जो इकट्ठा हुआ है उसमें आग भी लग सकती है अगर आप इसे पीरियोडिकली क्लीन कर सकते हैं तो इससे बढ़िया चिमनी और कोई नहीं होती फिल्टरलेस चिमनी के अंदर किसी टाइप के कोई फिल्टर नहीं होते और उसमें जो मोटर यूज होती है वो भी सील्ड होती है जिससे ऑयल या किसी टाइप का रेजिड्यू उस पर इकट्ठा होने का कोई डर नहीं होता और क्योंकि इस चिमनी के अंदर कोई फिल्टर नहीं होते तो धुआं सीधा बाहर निकल जाता है और जो चेंबर के अंदर ऑयल रह जाता है वो हीटिंग कोयल को चलाने की मदद से पिघल के ऑयल कलेक्टर ट्रे में आ जाता है उसे आप निकाल के धो सकते हैं साफ कर सकते हैं और अगर आप जाली को जो चिमनी के बिल्कुल बाहर जाली लगी है उसे पीरियोडिकली क्लीन करते रहेंगे तो चिमनी की सक्शन के अंदर भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अक्सर लोग सोचते हैं कि फिफ्टीन से ट्वेंटी थाउजेंड की चिमनी खरीदी और काम खत्म लेकिन ऐसा होता नहीं है आपको चिमनी खरीदने के बाद 500 से लेकर 1000 थाउजेंड तक इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे और इंस्टॉलेशन किट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 थाउजेंड के आसपास का खर्चा आता है तो टोटल खर्चा हुआ अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास इस खर्चे को हमेशा चिमनी की कॉस्ट में एड करके ही चले वो होगी आपकी एक्चुअल चिमनी की कॉस्ट अक्सर लोग मुझसे सोशल मीडिया पर डीएम करके ये पूछते हैं कि क्या वो अपनी किचन में चिमनी को विदाउट डक्टिंग इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसका जवाब है हाँ आप कर सकते हैं विद या विदाउट डक्टिंग आप किसी भी चिमनी को लगा सकते हैं अगर आप एक डक्टिंग के साथ चिमनी को लगाएंगे तो उससे किचन का सारा धुआं किचन के बाहर चला जाएगा लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है कि आप डक्टिंग इंस्टॉल कराएं तो आप बिना डक्टिंग के भी चिमनी को यूज कर सकते हैं उससे होगा ये कि कुकटॉप के ऊपर सारा धुआं चिमनी सक करेगी और किचन में ही फैला देगी आप उसके बाद पंखे या फिर एग्जॉस्ट की मदद से उस धुएं को बाहर कर सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल ये होगा कि आप डक्टिंग लगवाएं चाहे किसी भी तरीके से एक अच्छी चिमनी किचन में से धुआं स्मेल और हवा में मौजूद ऑयल की ड्रॉपलेट्स को पूरी तरह से रिमूव करती है लेकिन आपको कितनी सक्शन कैपेसिटी की चिमनी चाहिए इसका अंदाजा कैसे हो अगर आप लो ऑयल कुकिंग करते हैं यानी आपके घर में फ्राइड थोड़ा कम बनता है तो आपको 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी की चिमनी सही रहेगी लेकिन अगर आपके घर में डीप फ्राइड खाना थोड़ा ज्यादा बनता है आप मक्खन और घी कुछ ज्यादा यूज करते हैं और धुआं थोड़ा ज्यादा होता है तो आपको कम से कम 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी वाली चिमनी चाहिए उस बात का आपको ख्याल रखना है चिमनी खरीदने से पहले किसी भी और अप्लायंस की तरह आपको चिमनी खरीदने से पहले भी आफ्टर सेल सर्विस उस ब्रांड की जरूर चेक करनी चाहिए और यही काम रिव्यू देने से पहले हमने किया जो भी चिमनीज मैं आपको इस वीडियो में आगे रेकमेंड करने वाला हूं उन सभी ब्रांड्स के कस्टमर केयर नंबर पे हमने पांच अलग अलग, अलग लोकेशंस बता के फोन किया अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई और उनके सोल्यूशन को सुना उनके सर्विस पार्टनर्स के फीडबैक सुने और उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि उनकी सर्विस रेटिंग कैसी है और वो रेटिंग में आपको बताऊंगा और आप अगर एक चिमनी खरीद रहे हैं 15 या ट्वेंटी की लेट से तो आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी चाहिए एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदिए जो इंश्योरेंस ना हो मैं अपनी तरफ से गो वारंटी रेकमेंड करता हूं जिसे आप कहीं से भी खरीद सकते हैं उसका मैं आपको कोई अफिलियट लिंक भी नहीं दे रहा आप उसे चेक करें और आपको जहां से सस्ती मिले वहां से खरीदें आपकी जरूरत और चॉइस कुछ भी हो सकती है इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बैफल फिल्टर और फिल्टरलेस दोनों टाइप की चिमनीज रेकमेंड करने वाला हूं सबसे पहले हम बैफल फिल्टर चिमनीज की बात करते हैं और उसमें मेरी पहली पिक रहेगी एलिका की 90 सेंटीमीटर बैफल फिल्टर चिमनी जिसके अंदर आपको फोर्टीन क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है इस चिमनी में आपको कर्व्ड ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का विच लुक्स रियली प्रीमियम और ये चिमनी दो स्टेनलेस स्टील के बैफल फिल्टर्स के साथ आती है दो फिल्टर्स यानी और ज्यादा प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ इसके अंदर हीट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी का भी यूज करा गया है यानी ये एक ऑटो क्लीन चिमनी भी है इस चिमनी में आपको दो एलईडी लैंप्स मिलेंगे व्हाइट कलर के और ये टच और मोशन सेंसर के साथ आने वाली चिमनी है और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको ऑयल कलेक्टर ट्रे भी देखने को मिलती है इस चिमनी को खरीदने पे आपको चिमनी और इंस्टॉलेशन किट दोनों साथ में देखने को मिलेंगी और फुल पावर पे इसके नॉइज लेवल्स हैं 58 डेसिबल्स इस चिमनी के अंदर 220 वॉट की मोटर लगी है और 14.3 केजीज वेट है इस चिमनी का हमने एलिका के इस कस्टमर केयर नंबर पे बहुत बार कॉल किया और हमारा रिव्यू इनकी सर्विस के लिए रहेगा गुड एलिका आपको इस चिमनी पे देता है वन ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और फाइव ईयर की वारंटी ऑन दी मोटर और आप अगर इस चिमनी को इस समय खरीदना चाहते हैं तो आपको सिक्स हंड्रेड रुपीज आपको देने पड़ेंगे इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस और अगर आपको बॉक्स में मिलने वाली इंस्टॉलेशन किट सफिशेंट ना पड़ी तो आपको ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज की एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन किट खरीदनी पड़ेगी ये आपकी किचन के साइज के ऊपर डिपेंडेंट है सो जरूरी नहीं है कि आपको ये पे करने ही पड़े अब आपको इस चिमनी के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं यह चिमनी बहुत अच्छी है इसकी सक्शन कैपेसिटी 1425 क्यूबिक मीटर पर आवर बहुत शानदार है इसके अंदर आपको दो बैफल फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जिससे आपके बहुत हद तक ऑयल उसमें कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद जब आप उसको पीरियोडिकली क्लीन करते रहेंगे तो आपको एनुअल मेंटेनेंस यानी एनुअल सर्विस कराने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी विच इज अ वेरी गुड थिंग ओवरऑल दिस चिमनी इज वेरी गुड और इसके अंदर आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है इज वेरी वेरी समझ के चलिए चाहे कोई भी ब्रांड हो ये एलिका की बात कर रहा हूं लेकिन कोई भी और ब्रांड हो सब में आज की रेट में आपको मोशन सेंसर्स देखने को मिलेंगे चिमनीज में और वो होते क्या हैं आप अपने हाथ को इस तरह से घुमाएंगे चिमनी के आगे तो स्पीड कम या फिर ज्यादा होगी और ये सेंसर्स कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग सेंसर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू मी इसलिए मैं ऐसे फिल्मी कह रहा हूं ये एक कौन है भी और नहीं भी ये हर चिमनी का कौन है और ये हर चिमनी का कौन नहीं भी है क्योंकि हर चिमनी में इसी टाइप के सेंसर्स आज की डेट में आपको देखने को मिल रहे हैं आई वुड से डोंट रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ सेंसर्स और आपको जो फिजिकल बटन मिलते हैं या फिर टच कंट्रोल आपको मिलता है उसे यूज करें इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू अब जाइए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं यह बहुत शानदार चिमनी है और अगर आपको बैफल फिल्टर की चिमनी की जरूरत है देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन दैट आई कैन रेकमेंड लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और आपको बैफल फिल्टर चिमनी बताता हूं और वो एली का चिमनी से भी ज्यादा बढ़िया है मैं बात कर रहा हूं फेबर की 90 सेंटीमीटर बैफल फिल्टर चिमनी के बारे में जिसके अंदर आपको 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है फेबर की इस चिमनी के अंदर आपको कर्व्ड ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है अगेन विद ब्लैक कलर एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ये एक बैफल फिल्टर चिमनी है और इसके अंदर आपको हीट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी यानी ये एक ऑटो क्लीन चिमनी है इस चिमनी के अंदर आपको दो एलईडी लैंप्स मिलेंगे व्हाइट कलर के और ये थ्री स्पीड मोशन सेंसर के साथ आने वाली चिमनी है जिसमें आपको टच कंट्रोल पैनल भी मिलेगा और जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिलेगा और इस चिमनी में आपको ऑयल कलेक्टर ट्रे भी देखने को साथ में मिलेगी इस चिमनी को खरीदने पर इंस्टॉलेशन किट आपको बॉक्स में ही मिलेगी और फुल स्पीड पे चलाने पर इस चिमनी के नॉइज लेवल्स हैं फिफ्टी टू फेबर के इस कस्टमर केयर नंबर पे हमने बहुत बार कॉल किया और उनकी सर्विस पे हमारा ओपिनियन है गुड फेबर आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसि फाइव की वारंटी ऑन दी मोटर और अगर आप इस चिमनी को इस समय खरीदना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे सिक्स हंड्रेड रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे और अगर आपको इंस्टॉलेशन की किट सफिशेंट ना पड़ी तो आपको बारह सौ रुपए एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन किट के लिए भी देने पड़ सकते हैं अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी इज टू गुड इट इज टू गुड अगर आप ऑयली खाना बनाते हैं ऑयली खाना थोड़ा कम खाना चाहिए वैसे लेकिन ये सक्शन इतनी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी शानदार है दैट द चिमनी इज वेरी वेरी गुड बट देर इज वन कॉन रादर टू इस चिमनी के अंदर 180 एटी वॉट की मोटर यूज हुई है और वो 1500 क्यूबिक मीटर आवर की सक्शन कैपेसिटी जनरेट कर रही है स्लाइटली नॉइजन मोटर ये मुझे लगा वो इसलिए क्योंकि कम वोल्टेज की मोटर बहुत ज्यादा कैपेसिटी पे जब अपनी आउटपुट पे काम करती है तो वो थोड़ी सी नॉइज करती है एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर चिमनी अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम बट अगर हम इसे एलिका चिमनी जो मैंने इससे पहले बताई उसके साथ कंपेयर करें तो उसके अंदर दो बैफल फिल्टर मिलते हैं जबकि इस चिमनी में एक बैफल फिल्टर है नो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स मेरे हिसाब से बेफल फिल्टर चिमनीज के अंदर ये दोनों चिमनीज आर टू गुड और आप इन दोनों में से कोई भी चिमनी लेंगे तो गलती नहीं करेंगे दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं इसका भी और एलिका का भी सोच समझ के फैसला करिए अब बात करते हैं फिल्टरलेस चिमनी के बारे में और बेस्ट चिमनी इन 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर फोर पे आती है ग्लेन की 90 सेंटीमीटर चिमनी जिसके अंदर आपको 1050 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है इस चिमनी के अंदर आपको कर्व्ड ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है विच लुक्स वेरी गुड फिल्टरलेस ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी वाली चिमनी है और इस चिमनी के अंदर आपको दो एलईडी लैंप्स मिलेंगे व्हाइट कलर के और तीन स्पीड मोशन सेंसर्स मिलेंगे टच कंट्रोल पैनल के साथ और इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिलेगा ऑयल कलेक्टेड ट्रे के साथ आने वाली चिमनी है और इसके अंदर आपको कॉपर मोटर मिलती है विच इज वेरी गुड इस चिमनी को खरीदने पे आपको सिर्फ चिमनी और यूजर मैनुअल ही मिलेगा और फुल सेटिंग्स पे चलाने पे चिमनी 58 एट डेबल्स के नॉइस लेवल्स प्रोड्यूस करती है पर जो अच्छी बात है वो है 212 हंड्रेड की मोटर जो इस चिमनी में लगी है और ये 22 वे करती है ग्लेन के इस कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने बहुत बार कॉल किया तो उनकी सर्विस पे हमारा रिव्यू है एवरेज और ये एवरेज इसलिए है क्योंकि ग्लेन के कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने अलग अलग लोकेशंस बता के बार बार फोन किया तो उन्होंने आने के लिए ट्रैवलिंग चार्ज को भी मांगा सर्विस चार्ज एक अलग चीज होती है लेकिन ट्रैवलिंग चार्ज टू योर होम इज डिफरेंट विच इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल यह चिमनी बहुत अच्छी है और सिर्फ इसी रिव्यू की वजह से मैंने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा नीचे किया है आपको यह चिमनी लेनी चाहिए या नहीं यह आप डिसाइड करिएगा इस चिमनी के एंड कॉन्स को सुनने के बाद क्लेन आपको देता है टू इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और फाइव की वारंटी ऑन मोटर और अगर आप इस चिमनी को खरीदना चाहते हैं तो यह कॉस्ट आपको इस समय करेगी ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज की इस समय सिक्स हंड्रेड रुपीज आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस देने पड़ेंगे और क्योंकि आपको कोई इंस्टॉलेशन किट बॉक्स में नहीं मिलती तो आपको बारह सौ यानी ट्वेल्व हंड्रेड देने पड़ेंगे फॉर द इंस्टॉलेशन किट अब बात करते हैं प्रोजन कॉन्स के बारे में दिस इज वन फेंटेस्टिक चिमनी क्योंकि 212 सौ वॉट की मोटर जब 1050 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी के साथ आती है तो वो बहुत अच्छी सक्शन करती है सारे धुएं को सक्शन कर लेगी एंड दिस चिमनी कम्स विद 100% परसेंट कॉपर वाइंडिंग मोटर विच इज अगेन अ वंडरफुल थिंग सब कुछ अच्छा है बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है द वेट इज वेरी गुड दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छे सॉलिड मेटल से बनी है बट द ओनली प्रॉब्लम इज द सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन ऑल सिटीज अगर आप मेट्रोज में रहते हैं या टीयर वन टाउन्स में रहते हैं दिस चिमनी इज फैंटेस्टिक लेकिन अगर आप टीयर टू या टीयर थ्री टाउन्स में रहते हैं देन तो आई वुड से प्लीज अवॉइड दिस चिमनी और आप मेरी अगले आने वाली चिमनीज को कंसिडर करें और अगर ये सर्विस का पॉइंट ना होता तो मैंने शायद ग्लेन की इस चिमनी को और ज्यादा अच्छा नंबर दिया होता या और अच्छी पोजीशन दी होती इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और मेरी किचन अप्लायंस लिस्ट में भी उसे डाउनलोड करिए और आप वो सारे अप्लायंसेस चेक कर पाएंगे जो किचन अप्लायंसेस में रेकमेंड करता हूं जरूर चेक करिए बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर थ्री पे आती है हिंदवेर की 90 सेंटीमीटर चिमनी जिसके अंदर आपको 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है हिंदवेर की इस चिमनी के अंदर आपको कर्व्ड ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है ब्लैक कलर का और ये फिल्टर लेस टेक्नोलॉजी की चिमनी है देखने में तो ये चिमनी बहुत अच्छी लगती ही है और इसके अंदर आपको थर्मो ऑटो क्लीन फंक्शन भी देखने को मिलता है थर्मल ऑटो क्लीन, हीट ऑटो क्लीन, मैं ये टर्म्स बार बार यूज कर रहा हूं तो मैंने सोचा एक बार आपको इसका मतलब समझा ही ऑटो क्लीन चिमनी के अंदर, चाहे बैफल फिल्टर हो चाहे फिल्टरलेस चिमनी हो आपको एक एलिमेंट लगा हुआ मिलता है चिमनी के अंदर जब आप क्लीन फीचर को ऑन करते हैं तो चिमनी पूरी गर्म होती है वो एलिमेंट की मदद से और जितना भी ऑयल होता है चिमनी के चेंबर में वो पिघल के ऑयल कलेक्टर ट्रे में आ जाता है जिसे आप क्लीन करके वॉश करके दोबारा वापस लगा सकते हैं और ये होती है ऑटो क्लीन चिम्नी। इस चिमनी के अंदर आपको दो वाइट एलईडी लैंप्स भी मिलेंगे थ्री स्पीड मोशन सेंसर्स के साथ आती है और साथ में आपको टच कंट्रोल पैनल भी देखने को मिलेगा एंड टू से इसके अंदर आपको ऑयल कलेक्टर ट्रे भी देखने को मिलेगी अच्छी बात यह है कि हिंदवर ने चिमनी के साथ इंस्टॉलेशन किट बॉक्स में ही दी है और फुल सेटिंग्स पे चलाने पे इसकी नॉइज लेवल्स बहुत कम है 32 टू डेबल्स विच इज अनबिलीवेबल ये हिंदवेयर का क्लेम है लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि यह कम से कम 52 टू होंगे

इस चिमनी पे आपको हिंदव देता है ईयर की, की क्योंकि कोई और ब्रांड इतनी वारंटी देता नहीं है आप अगर इस चिमनी को इस समय खरीदना चाहें तो ये थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज की कॉस्ट करेगी और सिक्स हंड्रेड रुपीज आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन किट आपको हिंदवे साथ में बॉक्स में ही देता है लेकिन अगर आपको वो सफिशेंट नहीं पड़ी तो आपको बारह सौ रुपए और खर्च करने पड़ेंगे इज नॉर्मल बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ये चिमनी बहुत शानदार है इसके अंदर आपको अच्छी सक्शन कैपेसिटी देखने को मिलती है इसकी मोटर अच्छी है नॉइज उतनी ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से फिफ्टी टू डे और ये चिमनी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है बट देर इज वन प्रॉब्लम अगेन द सेम थिंग सर्विस सर्विस एंड इंस्टॉलेशन नीड इंप्रूवमेंट अगर आप मेट्रोज या टीयर वन टाउन में रहते हैं देन हिंदवेयर की यह चिमनी बहुत शानदार है बिना सोचे समझे आप इसे ले ले एंड यू वंट गेट डिसअपॉइंटेड बट अगर आप टीयर टू या थ्री टाउन में रहते हैं देन प्लीज अवॉइड इट एंड बाय समथिंग एल्स मैं आगे आपको और चिमनीज बताऊंगा उन्हें जरूर देखिएगा और अगर आप टीयर वन टाउन में रहते हैं या मेट्रोज में रहते हैं तो लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरी किचन अप्लायंस लिस्ट में जरूर चेक करिए उसे बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर टू पे आती है फेबर की 90 सेंटीमीटर किचन चिमनी जो कि 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी के साथ आती है पर आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हम अगर बैफल फिल्टर चिमनी लेते हैं तो उसमें हमें 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है और फिल्टर चिमनी में इतनी कम ऐसा क्यों वो इसलिए क्योंकि बैफल फिल्टर जो जगह लेता है उसके लिए आपको ज्यादा सक्शन की जरूरत होती है इसलिए उनमें मोटर अलग टाइप की लगती है और उनकी सक्शन अलग होती है लेकिन फिल्टरलेस चिमनी के अंदर कोई भी बीच में फिल्टर नहीं होता इसलिए कम सक्शन में भी उससे ज्यादा अच्छा काम हो पाता है दैट इज द रीजन फेबर की इस चिमनी के अंदर ब्लैक टेम्पर्ड कर्व्ड ग्लास फिनिश देखने को मिलती है डिड यू पे अटेंशन टू टेम्पर्ड वर्ड यह एक्चुअली में टेम्पर्ड ग्लास है जिससे आपको और एक प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलता है।, ये चिमनी technology के साथ आती है और इसमें आपको हीट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी इसमें आपको दो एलईडी लैंप्स भी देखने को मिलेंगे और थ्री स्पीड मोशन सेंसर भी मिलेंगे विथ टच कंट्रोल पैनल एंड नीडलेस टू से यह ऑयल कलेक्टेड ट्रे के साथ आने वाली चिमनी है बॉक्स में आपको चिमनी और यूजर मैनुअल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और इस चिमनी को फुल सेटिंग्स पर चलाने पे आपको एट डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स देखने को मिलेंगे फेबर की इस चिमनी में 180 एट्टी वॉट की मोटर यूज करी गई है और इसका वेट है 14 के और जब फेबर के इस कस्टमर केयर नंबर पे हमने अलग अलग लोकेशंस बता के बार बार फोन किया तो इनकी सर्विस पे हमारा रिव्यू है गुड और ये गुड इसलिए है क्योंकि फेबर के कस्टमर केयर को हमने ये भी बोला कि हमारी चिमनी आउट ऑफ वारंटी है और किसी भी पिन कोड पे उन्होंने सर्विस से मना नहीं किया उन्होंने सिर्फ अपने सर्विस चार्ज बताए विच वर फोर हंड्रेड एंड इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल आप किसी भी पिन कोड पे अपनी वारंटी खत्म होने के बाद भी चिमनी की सर्विस करा सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो सर्विस मैन को बुला सकते हैं चार सौ रुपए देने के बाद एंड इट इज फैंटास्टिक फेवर आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव और फाइव इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर और अगर आप इस चिमनी को इस समय खरीदना चाहते हैं तो फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इज द प्राइस छह सौ रुपए इंस्टॉलेशन के लगेंगे और अगर आपको इंस्टॉलेशन किट चाहिए तो बारह सौ रुपए आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन किट आपको फेबर की इस चिमनी के के साथ नहीं मिलेगी अब बात करते हैं कॉन्स बारे में चिमनी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है इसके अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है विच इज वेरी वेरी गुड एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो आपकी चिमनी में मिल रही है एंड द चिमनी इट्सेल्फ लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक इस चिमनी का प्रो भी है और वो ही कॉन भी है एंड दैट इज सक्शन कैपेसिटी। सक्शन कैपेसिटी इस चिमनी की अच्छी है बट आई थिंक क्योंकि ये मोटर बहुत पावरफुल है इसकी सक्शन कैपेसिटी और थोड़ी बेहतर करी जा सकती थी जो आपको थोड़ी सी मिस होगी अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड बनाते हैं तो अदरवाइज दिस चिमनी इज वेरी वेरी गुड एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरी किचन अप्लायंस लिस्ट में फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इज द प्राइस गो चेक इट आउट पर आप तो बेस्ट चिमनी लेना चाहते हैं सो द बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू अकॉर्डिंग टू मी इज चीना 90 सेंटीमीटर फिल्टरलेस चिमनी जिसमें आपको 1400 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलती है एंड इट कैन गो अप टू 1450 क्यूबिक मीटर पर आवर की इस चिमनी के अंदर आपको टेम्पर्ड कर्व ग्लास फिनिश देखने को मिलेगी और यह फिल्टरलेस ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली चिमनी है इस चिमनी में आपको दो व्हाइट कलर के पावर सेविंग एलईडी बल्ब देखने को मिलेंगे और इस चिमनी में आपको पुश बटन कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड ट्रस्ट मी

सबसे अच्छी बात इस चिमनी की यह है कि इसके अंदर 304 हंड्रेड वॉट की मोटर लगी है और यह वे करती है 27 सेवन कुचीना के इस कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने बार बार अलग अलग लोकेशन से फोन किया तो उनकी सर्विस पे हमारा फीडबैक है वेरी गुड सर्विस कुचीना आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव और लाइफ टाइम यानी टेन ईयर की वारंटी ऑन द मोटर जिसे वो लाइफ टाइम बोलते हैं इस चिमनी को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ट्वेंटी फोर देने पड़ेंगे और सिक्स हंड्रेड रुपीज इंस्टॉलेन के एंड ट्वेल्व हंड्रेड इंस्टॉलेशन किट क्योंकि बॉक्स में आपको वो साथ में नहीं मिलती अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में क्योंकि यह चिमनी थोड़ी एक्सपेंसिव है बट दिस इज नॉट अ बजट चिमनी यह चिमनी एक फैंटेस्टिक मोटर के साथ आती है तीन सौ वॉट की मोटर एंड फोर्टीन हंड्रेड क्यूबिक मीटर पर आवर की सेक्शन कैपेसिटी विच कैन गो अपू फिफ्टी क्यूबिक मीटर मोर यानी चौदह सो पचास क्यूबिक मीटर पर आवर की सेक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम दिस इज अमेजिंग एंड फोर्टी सिक्स डेसिबल्स के नॉइस लेवल हाइएस्ट सेटिंग पे दैट इज वाई दिस इज अ प्रीमियम चिमनी ये चिमनी एक फैंटास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है और आप इसे जब टैप करेंगे तो आपको उसके बाद ही समझ में आ जाएगा दैट यू आर बाइंग अ फैंटास्टिक चिमनी जिसके अंदर एक्चुअल स्टेनलेस स्टील का यूज करा गया है और इसका ग्लास भी बहुत थिक है एंड दैट इज वाई इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव और यही इसका कॉन है इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी यू आर पेइंग द प्राइस फॉर द क्वालिटी बट आपके ऊपर है मैंने जो फेबर की चिमनी आपको बताई ग्लेन की आपको बताई एलिका की बताई या हिंदवेर की बताई वो भी अच्छी हैं। आपको अपनी जरूरत देखनी है आपको अपनी पसंद देखनी है और आपको अपना बजट देखना है इन सभी चिमनीज के अंदर 90 और 60 सेंटीमीटर दोनों साइजेस अवेलेबल हैं और इन दोनों साइजेस के सभी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आपको मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखना है और अपने कुकटॉप या के अंदर जितने हैं, उसके हिसाब से एक को खरीदना है इन सभी के आपको और मेरी फैसला करिए मुझे लगता है कि आपके किचन चिमनी को लेकर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी कहीं से मदद करी हो तो मुझे भी आपकी मदद की बहुत जरूरत है अगर आपको इनमें से कोई भी चिमनी खरीदनी है तो उसके लिंक्स आपको मेरी किचन उसकी लिंक में तो प्राइस को जरा फाइनेंशियली बहुत मदद होती है जिससे हम इस टाइप का कंटेंट रिसर्च करके आपके लिए ला पाते हैं दोस्तों उन लिंक्स को जरूर यूज करिएगा अपनी परचेज करते समय और दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है किचन चिमनी या किसी और किचन अप्लायंस के बारे में या किसी और चीज के बारे में मुझसे पूछना है डायरेक्टली पूछिए कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझे डीएम करिए और मैं आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि आपको मेरा कुक टॉप और हॉब्स का वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है इसी टाइप का वीडियो है यह है उसके लिंक्स जरूर देखिएगा उन्हें और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच